भाई ये है पूरा मंदिर का ओवरव्यू। यहाँ पे होती है मेन कथा जो होती है। मैं पहले वाले जो रुद्रश महोत्सव था इतनी पब्लिक आई थी ना, इस बार तो और ज़्यादा ही पब्लिक आने की है, तो इसलिए है। व्हाट्स अप पीपल, दिस परमवर्थन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और भाई अभी जस्ट भोपाल से आकर खड़ा हुआ हूँ भाई, इतना थकान हो जाता है ना रोज का आना जाना, तो भाई बहुत हैक्टिक डे हो जाता है। और अभी जस्ट मैं अभी आया हूँ, तो अर्पित को मैंने कॉल किया था, तो अर्पित ने कल बोला था कि अपन वो मंदिर चलना है कोबरेश्वर धाम में। बहुत टाइम पहले गया था और मैं न्यू ईयर पे भी जाने का था लेकिन मैं जा नहीं पाया, तो अभी कोबरेश्वर धाम भी जाना है अर्पित और हम दोनों को। अर्पित की फर्स्ट सैलरी आ चुकी है तो वो हनुमान जी को चोला भी चढ़ाएगा। पूछने जाना है कि क्या क्या लेकर आना पड़ेगा, सामान वामान जो कुछ भी है। तो अभी फटाफट से मैं खाना खाता हूँ, अभी 4 बजे 4:30 बजे अर्पित आ जाएगा, तो खाना खा के फिर निकलेंगे कोबरेश्वर धाम। सबसे पहले आ चुके हैं कोबरेश्वर धाम और यहाँ पे दर्शन करते हैं। बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं, और बहुत सीओर का मतलब सबसे फेमस जो बन चुका है मंदिर वो है कोबरेश्वर धाम। तो आपको आज कोबरेश्वर धाम का टूर देता हूँ, वो दर्शन करके आप लोगों से मिलता हूँ। भाई शिवरात्रि आ रही है तो यहाँ पे रुद्रश महोत्सव भी होने वाला है। बहुत केड़ा भाई, पिछली बार जब हुआ था इतनी पब्लिक थी भाई सीओर में, पब्लिक समान ही रही थी, इतना पब्लिक था भाई सीओर में। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सिंहस्थ का जो मेला लगता ना उज्जैन में, सेम वैसे ही लग रहा था। और ये देखो भाई, जब तो यहाँ पे पूरा सब कुछ भरा रहेगा पूरा भाई, मंदिर में दर्शन करने की जगह भी नहीं रहेगी, इतना इस बार का इतना ह्यूज होने वाला है रुद्राक्ष महोत्सव। और भाई मेन मंदिर ये है जो मेन है, और यहाँ पे अंदर कथा होती है जहाँ पे पंडित जी कथा सुनाते हैं। भाई इस साइड ये है, ये गौशाला है, और इधर दान कार्यालय, यहाँ पे होती है भाई जो जो आप कथा देखते हो, मेन कथा यहाँ पे होती है। यहाँ पे अंदर लेके चलता हूँ आपको अभी, यहाँ पे होती है मेन कथा जो होती है। भाई ये है पूरा मंदिर का ओवरव्यू। भाई ये रहा है मंदिर और ये रहा पूरा कोबरेश्वर धाम। और भाई इसके पीछे यहाँ पे होने वाला है, पूरी 25 एकड़ है यहाँ पे होने वाला है रुद्राक्ष महोत्सव। ये पूरा उसी के लिए पूरा प्लेन करा गया है यहाँ पे। और भाई जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि सीओर में पहले वाले जो रुद्रश महोत्सव था इतनी पब्लिक आई थी ना, इस बार तो और ज़्यादा ही पब्लिक आने की है, तो इसलिए क्या पूरा के पूरा है ना, पूरे पूरे जो जितने भी खेत थे वो सारे प्लेन करके सब कुछ सही कर दिया है। तो इस बार पब्लिक की पूरी व्यवस्था सब कुछ सही होने वाली है, इस बार कार्यक्रम फेल तो नहीं होगा, कहीं से कहीं तक नहीं होने वाला है इस बार कार्यक्रम फेल। लेकिन पिछली बार थोड़ा सा डगमगा गया था कार्यक्रम, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक आ गई थी यहाँ पे सीओर में, इतनी पब्लिक आ गई थी कि सिंहस्थ जैसा सिंहस्थ रहता ना, सेम टू सेम वैसा ही हो गया था भाई, इतनी पब्लिक थी यहाँ पे। तो इस बार तो सब कुछ सही कर दिया है, व्यवस्था पूरी सही है। तो अब चलते हैं पीछे, ये देखो ये रहा मंदिर और ये रही नीचे की पूरी ज़मीन। यहाँ पे पूरा महोत्सव होने वाला है रुद्राक्ष महोत्सव, जो कि बहुत विशाल, इस बार तो बहुत विशाल होने वाला है। ये यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन भाई पब्लिक इतनी आने वाली है ना कि ये वो जो फसल दिख रही है ना, ये हरी वाली फसल दिख रही है,
ये भी चली जाएगी भाई इस बार तो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार भी भाई फसलों में लोग सो रहे थे, फसलों में लोग बाग सारे खड़े थे वहाँ पे, मतलब पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, मतलब इतने लोग आए थे यहाँ। मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, बहुत सारे चेंजेस हो गए और अभी तो मंदिर का काम चल ही रहा है। तो अर्पित ने बोला था कि चल चलते अपन कुबरेश्वर धाम चलना है, तो मैंने कहा चल ठीक है चल चलते। मैंने क्या दर्शन भी नहीं करे मैंने बहुत दिन से, तो दर्शन भी कर लिए और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा व्लॉग भी बना लेता हूँ अब यहाँ पर आ गया हूँ तो। और फिर अब यहाँ से निकलेंगे हनुमान फाटक के लिए। तो हनुमान फाटक से भी आ चुके हैं, अर्पित की बात हो गई है और चूल्हे में हनुमान जी के शिवरात्रि तक का टाइम दिया, बहुत लंबा टाइम दिया, तो अर्पित सोच रहा है कि कुछ दूसरे काम में दान कर दे वो चीज़। अपनी पहली सैलरी उसकी आई है तो वो फिर दूसरी चीज़ में दान कर रहा है, और मैं बताऊँगा नहीं किस चीज़ में दान कर रहा है क्योंकि ये चीज़ क्या सीक्रेट रहनी चाहिए, तो वो बढ़िया है। और फिर दान आन पुण्य में क्या ही बताओ, तो इसलिए यह है कि आज का व्लॉग बस यहीं समाप्त करते हैं, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।